हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में कर्ता के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब कि सब्जेक्ट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि बिना सब्जेक्ट्स के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, इसलिए हमें सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है। देखिए, मैं ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आप मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, तो हमारी सरल भाषा की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और फिर मैं आपको पढ़ा भी सकूँगा, वन स्टूडेंट वन टीचर के हिसाब से पढ़ा सकूँगा। पिछले 18 ईयर्स से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं चाहते हैं, तो मेरा ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे कन्वर्सेशन, बॉडी लैंग्वेज, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब कुछ एडवांस लेवल पर मैं लेके आने वाला हूँ। अगर आप बेल आइकन को हिट कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो मैंने कर्ता को जो है दो भाग में डिवाइड किया है, एक मैंने बनाई है फैमिली वन और दूसरा बनाया है फैमिली टू। तो आपके पास अगर नोटबुक है तो लिख लीजिए फैमिली वन और फैमिली टू। फैमिली वन में आप देखिए पांच कर्ता आएंगे, पांच सब्जेक्ट्स, और फैमिली टू में भी पांच सब्जेक्ट्स हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि फैमिली वन में पांच सब्जेक्ट्स हैं, पांच कर्ता आएंगे, और फैमिली टू में पांच आएंगे। सबसे पहले हम लोग फैमिली वन देख लेते हैं। फैमिली वन में सबसे पहला कर्ता जो आ रहा है वो है मैं यानी खुद, तो उसमें आई आएगा, आई कैपिटल में लिखते हैं, आई, आई शब्द आता है, आई सब्जेक्ट। दूसरा वाला क्या है, बहुत सारे आई मिल जाएं, समझो एक आई मैं हूँ, एक मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, या हो सकता है कि मेरा डॉग भी है, हम सारे लोग घूमने आते हैं सुबह, यह हो सकता है कि आई एक पर्सन आप हैं, आपके मित्र हैं, एक दो तीन चार, या दो भी हैं, तीन भी हैं। बहुत सारे आई जब मिल जाएंगे तो वो बन जाता है वी, वी यानी वी अक्षर नहीं, डब्ल्यू ई वी। वी का मतलब क्या है, हम सब, एक से ज़्यादा होगा, मतलब कि ये बहुवचन हो गया है। आई तो एक वचन था, वी बहुवचन हो गया है, लेकिन है एक ही फैमिली में, तो आई का हमने वी कर दिया है। इसके बाद तुम है, तुम, तो समझो कि कोई टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं आई हूँ, और मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब आप जो है वो यू है, तो वाई ओ यू, वाई कैपिटल लिखना है, वाई ओ यू, यू मतलब तुम। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आई मतलब मैं, बहुत सारे आई मिल गए तो हो गया हम यानी वी, तुम जो है वो वाई ओ यू, यू आ गया। एक आश्चर्य की बात यह है कि अगर मुझे ये भी प्रयोग करना है कि तुम सब, समझो तुम हो, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन है, तुम सब लोग हैं, तुम सब लोग एक साथ हो, तो भी मैं यू का ही प्रयोग करूँगा, वाई ओ यू, यानी एक वचन में यू का प्रयोग करूँगा और बहुवचन में भी यू का ही प्रयोग करूँगा। तो आपने, फिर से बताऊँ मैं आपको, आई यानी मैं, बहुवचन में वी हो गया डब्ल्यू ई, लेकिन यू जो है एक वचन यानी सिंगुलर, और बहुवचन यानी प्लूरल, दोनों में एक ही जैसा रहता है,
एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, singular, यानी एक ही, एक चिड़िया, एक पेन, कुछ भी एक। और बहुवचन को कहते हैं प्लूरल, plural, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। जैसे अ पेन का हमने पेन्स कर दिया, अ बर्ड का बर्ड्स कर दिया। इसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है दे, they। दे का मतलब क्या है, देखो बोलने वाला कौन है, मैं हूँ, सुनने वाले कौन है, आप सब लोग हैं, तो बोलने वाला हो गया आई और सुनने वाले सब आप लोग यू हो गए। लेकिन समझो कि अगर हम लोग मिलके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आई भी नहीं आएगा, वी भी नहीं आएगा, यू भी नहीं आएगा, कोई और ही लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दूर रहते हैं, उनके बारे में अगर आपको बात करनी है तो फिर दे का प्रयोग करना है, they। दे मतलब क्या है, वह सब, हम सब नहीं, तुम सब भी नहीं, वह सब लोग जो दूसरे हैं, वह सब, ठीक है। तो दे भी आ गया। और लास्ट में हम लोग एक शब्द लेते हैं जो कि बहुवचन का है इस कैटेगरी में, बी कैपिटल, boys, बॉयज। बॉयज मतलब लड़के, एक से ज़्यादा लड़के। तो फैमिली वन में हमने boys लिया है, बॉयज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने बहुवचन लिया है, अ बॉय नहीं लिया है, boys लिया है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया है बॉयज, ऐसे अलग अलग आप गर्ल्स भी ले सकते हैं, पेरेंट्स ले सकते हैं यानी पिता माता, टीचर्स ले सकते हैं, फ्रेंड्स ले सकते हैं, कोई भी दूसरा वर्ड अपने चॉइस का ले सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है boys। यहाँ हमारा फैमिली वन कंप्लीट हो गया है। फैमिली वन के जितने कर्ता हैं या सब्जेक्ट हैं इनको एक बॉक्स में रख लीजिए, क्योंकि ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं इसके नियम अलग चलेंगे, इसके जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जो जुड़ेंगे इनके साथ में, जो भी क्रिया जुड़ने वाली है, वर्ब जुड़ने वाला है, वो जो है फैमिली टू के जो मेंबर्स होंगे उनसे अलग तरीके से ये बिहेव करते हैं, अलग तरीके से, कहीं ऐस लगता है कहीं नहीं लगता है, मैं आगे बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। दूसरी बात हम कर लेते हैं फैमिली टू की, उससे पहले एक बार और बता दूं, फैमिली वन में आई, वी, डब्ल्यू ई, वाई ओ यू, यू, टी एच ई वाई, दे और बी ओ वाई एस, बॉयस, पांच हो गए। फैमिली टू की बात करते हैं। फैमिली टू में सबसे पहले ले लीजिए ही, एच ई। ही का जो मतलब है वह एक वचन है और वो नर जाति के लिए प्रयोग होता है। जैसे आपका कोई भाई है, आपके पिता हैं, आपके अंकल हैं, आपके टीचर हैं, जो भी नर जाति में हैं, मेल में हैं, उनको हम लोग ही कहते हैं। एक ही इंसान होता है। और शी जो है, अगला ले लीजिए, एस एच ई, तो शी जो है वो नारी जाति के लिए है। जैसे आपकी माता जी हैं, आपकी बहन है, आपकी कोई फीमेल टीचर है, कोई नर्स है, इस तरीके से हम लोग शी लगा सकते हैं। ही और शी दोनों एक वचन में हैं, सिंगुलर हैं, और दोनों का मतलब वह है, वह, हम में इंक्लूडेड नहीं है, वह, दूसरे, ही और शी, मतलब आई में भी नहीं है, वी में भी नहीं है, वो अलग ही है, दे टाइप कैटेगरी है। तो ही और शी दो आ गए। इसके बाद हम लगाते हैं इट, आई टी। इट जो है वो निर्जीव वस्तु के साथ प्रयोग होता है। जैसे समझो कार है, आपकी कार है, तो कार में कोई लाइफ तो है नहीं, तो इसलिए कार को हम लोग जो है ही और शी नहीं बोल सकते हैं, हमको इट बोलना पड़ेगा, एक वचन में इट, निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं है, कार में जीवन तो है ही नहीं। आज आपका पेन है, पेन में कोई जीवन तो है नहीं, तो इसलिए पेन है, कार है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सभी चीज़ों के बारे में
जब एक वचन में बात करेंगे तो इट का प्रयोग करना है। एक और चीज़ है, कोई भी जानवर होता है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, गधा है, ये सब जो जानवर हैं इनके लिए भी इट का प्रयोग होता है। तो जानवरों को एक्चुअली सम्मान देना चाहिए, लेकिन इतना सम्मान नहीं दिया जाता है कि उन्हें ही और शी बोला जाए। तो इट इज़ अ क्यूट डॉग, बहुत प्यारा कुत्ता है। इट इज़ अ नाइस कैट, इट इज़ अ डेंजरस टाइगर। सभी जानवरों के लिए, चाहे वो डेंजरस हो या अच्छे पालतू हो, हमको इट का प्रयोग करना चाहिए। एक और इसमें एक चीज़ है, लिख लीजिएगा, कोई नवजात शिशु है, कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है, 10-15 दिन का ही है, 10-15 दिन का छोटा बच्चा है, तो उसको मेल या फीमेल में नहीं डिवाइड करते हैं, उसके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं इट इज़ अ क्यूट बेबी, कि कितना प्यारा बच्चा है, इट इज़ अ क्यूट बेबी। तो इट का प्रयोग जो है तब करते हैं जब कोई निर्जीव वस्तु हो, जैसे कि आपका पेन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें जान तो है नहीं। दूसरा ये है कि कोई भी प्रकार का जानवर होता है, कोई भी जानवर हो, उसके लिए इट का प्रयोग करना है, या टाइगर हो या डॉग हो, इट इज़ अ क्यूट डॉग। और नवजात शिशु है, तो छोटा बच्चा पैदा हुआ है, 10-15 दिन का बच्चा है, उसके लिए भी आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट इज़ अ क्यूट बेबी। तो अभी हमारे पास ही शी इट आ गया है, इसके बाद एक नाम ले लेते हैं। तो मेरा जो फेवरेट फ्रेंड है उसका नाम मैं ले लेता हूँ रवि। आप भी अपने फेवरेट फ्रेंड का नाम लिख लीजिए इस कैटेगरी में। तो R कैपिटल आएगा, RAVI, रवि लिख लिया है। रवि एक वचन है, R कैपिटल आता है, रवि इस कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी नाम हो सकता है, रवि, शीला, मुन्नी, सागर, सुगम, रेखा, मनीषा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी में हमने फैमिली वन में बॉयज़ लिखा था बहुवचन में, यहाँ पे उसका ही छोटा भाई अ बॉय आ जाएगा। अ बॉय जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, एक ही लड़का है। तो अ बॉय की जगह आप अ गर्ल भी लगा सकते हैं, अ टीचर, अ पेरेंट, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अ के साथ लग जाएगा, ठीक है। एक बार और बताऊँ मैं आपको, फैमिली वन में क्या क्या आए हैं, आई वी यू दे बॉयज़, फैमिली टू में ही शी इट रवि और अ बॉय। दोनों को बॉक्सेस में डाल लीजिए, अलग अलग बॉक्स में। देखो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, फैमिली वन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, करता है, अगर आप सबको एक साथ लर्न करोगे, सबको एक साथ याद रखोगे, तो आप इजीली रूल लगा सकोगे, जो आगे बताने वाला हूँ मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। और फैमिली टू के जितने भी हैं, अगर उनको साथ में आप याद रखोगे तो इजी पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने फैमिली वन फैमिली टू में डिवाइड कर दिया है। जैसे कहीं मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है फैमिली वन के 5 सब्जेक्ट्स बताओ, लाइव क्लास में पूछूंगा, तो आप झटझट बता दोगे आई वी यू दे बॉयज, याद करना पड़ेगा। और फैमिली टू के पूछूंगा तो आप बोल देंगे ही शी इट रवि और अ बॉय, रवि आपका जो भी फ्रेंड है। आज हमने कर्ता के बारे में बात की है। कर्ता कौन होता है? कर्ता वो पर्सन होता है जो कोई काम कर रहा है। तो हमारा अंग्रेजी में वाक्य नहीं बन सकता है जब तक हम कर्ता का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए कर्ता सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर कर्ता का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, इसलिए आज हमने कर्ता के बारे में पढ़ा है। अगर आप मेरे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, मेरे आगे वीडियोज़ में जो आपके लिए रखूँगा YouTube पे आपको इजीली मिल जाएंगे, मिस नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँ 1-to-1, आप एक स्टूडेंट, मैं एक टीचर, डायरेक्टली मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पूरी इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ आपको। मतलब आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो भी आप थोड़े दिन मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश में इतनी कर सकता हूँ कि जैसा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट बोलता है उस तरीके से आप बोल सकेंगे। तो मैं पिछले 18 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, ओके? तो मैं क्वालिफाइड टीचर हूँ। और अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो आपके YouTube कमेंट बॉक्स में आपका नंबर दीजिएगा, नाम दीजिएगा, मुझे मैसेज दीजिएगा,
हमारी सरल भाषा की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और फिर हम स्टार्ट कर पाएंगे। मैं पूरा कोर्स आपको आप घर बैठे पढ़ सकेंगे, गूगल डुओ पे या जूम पे या व्हाट्सएप पे, कैसे भी वीडियो कॉल करके हम लोग आराम से पढ़ सकेंगे, ठीक है। रोज़ एक घंटे की क्लास होती है उसमें, और मैं आपको पूरा डिटेल्स मेरे टीम के मेंबर्स आपको बता देंगे जब आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा मुझे, मैं श्योर हूँ कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव करा दूंगा। ये तो आज लेसन वन ही था, आगे और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मैंने बताई जो जो चीज़ें हैं। तो चलिए फिर आज का लेसन यहीं तक ही। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।